हमारे सर्जन सर, हमारे सीनियर फार्मासिस्ट एस के नंद जी, हमारे BMO साहब की जो फैमिली मेंबर्स, मेडिकल स्टाफ, हमारे स्पेशल स्पेशल गेस्ट DDC बनी रीता ठाकर जी, जो आज BMO सर की ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे आए हैं, आज सरपंचिस जो यहाँ पे मौजूद रहे, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और BMO साहब की ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे आए। आज सबके चेहरे पे एक खुशी का माहौल है, हमारा सारा डिपार्टमेंट आज एक खुशी फील कर रहा है। काफ़ी अरसे के बाद हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में हमेशा रोना चीखना चिल्लाना ही लगा रहता था, आ रहे हैं हॉस्पिटल है यही होता है, लेकिन BMO साहब के आने के बाद आज एक खुशी की लहर है, बड़ी देर के बाद एक सेलिब्रेशन हुई है और ये सेलिब्रेशन एक उम्मीद की है, सबके चेहरे पे एक उम्मीद है BMO साहब से। सर आपके ऊपर सबकी नज़रें हैं और आपके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप बनी के लोकल हो, आप यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर रहे हो, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब आपकी आंखों के सामने है, आप सब जानते हैं भंडार से लेके लास्ट ढग्गर तक कितने सब सेंटर हैं, किस कंडीशन में हैं, किस कंडीशन में हम डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं, आपको सब पता है और आपसे ये उम्मीद है और आप हमारे बनी डिपार्टमेंट की, बनी मेडिकल डिपार्टमेंट की लास्ट होप हैं और इस उम्मीद से हम यहाँ पे आए हैं कि आप इस मेडिकल डिपार्टमेंट से जितना हो सकेगा अपने से आप करने की कोशिश करेंगे। मैं जनरल मेडिकल ऑफिसर PSC कोटी चंडियार आपका स्वागत करता हूँ। मेरे जोन में तकरीबन 14 से 15 सब सेंटर्स आते हैं जिनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स 3 से 4 के बीच में ही है, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, बाकी लोगों के घरों में सब सेंटर्स चल रहे हैं और जो 3-4 सब सेंटर हैं उसमें से भी 2-3 डिसमेंटल होने की कंडीशन पे आ चुकी हैं। हमारा मेडिकल स्टाफ ऐसी ऐसी कंडीशंस में काम कर रहे हैं, कईयों के पास बिल्डिंग्स नहीं हैं, जिनकी बिल्डिंग्स हैं उनके छत उड़ चुकी हैं, जिनके छत हैं उनके बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं हैं, जिनकी कुर्सियाँ हैं उनके अंदर टेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें आप सबको पता है और आपसे इसी उम्मीद के साथ हम बैठे हैं और हमारी डिपार्टमेंट की फुल कोऑपरेशन रहेगी सर, आपको जहाँ पे भी आपकी इज्जत हमारी इज्जत रहेगी और हम आपकी इज्जत के लिए हमेशा दिन रात मेहनत करेंगे और यही उम्मीद है कि आप हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट और मेडिकल स्टाफ की जो मुश्किल में कंडीशन में हम काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ करेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आने वाले टाइम के लिए जो अब आपका टाइम रहेगा इसके लिए हमारी फुल कोऑपरेशन रहेगी और जितने भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने यहाँ पर ही तालीम बनी की हायर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल में ही तालीम हासिल की, हमें कोई भद्रवाह आगे पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और आज इस स्टेज तक हम पहुँचे हैं और बने के कोने कोने को जानते हैं, कौन से सेंटर में क्या है, कौन सा आदमी क्या है, ये जो डेफिशिएंसीज हैं ये PRIs के साथ DDC BDC के साथ हम सीरियल मीटिंग करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। आजकल फंडिंग जो होती है वो डिपार्टमेंट को नहीं होती है, जो चीज़ें पहले हमें जैसे कोई डेंटल चेयर चाहिए होती थी या कोई एक्सरे मशीन तो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs वगैरह जब मिनिस्टर देते थे, आज की डेट में ये एक सरपंच भी दे सकते हैं, DDC BDC अपने ग्रांट से दे सकते हैं, इसलिए इनको इनकी इन्वॉल्वमेंट जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है इनको हर एक जो भी कार्यक्रम हो उनमें इनको इन्वॉल्वमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो आपकी उम्मीदें हैं वो मुझे सोशल मीडिया के जरिए मैंने पढ़ा है तो मैं 24 घंटे जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम है विदाउट एनी हेजिटेशन वो डिस्कस कर सकता है। जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं मेरे, मैंने इनके साथ एज ए मेडिकल ऑफिसर भी काम किया है तो इनके साथ सीरियल मीटिंग करूंगा, जो विचारधारा मेरी है वो उनके साथ मिलती है या नहीं मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो उसके लिए मीटिंग इसलिए हम करेंगे, जैसे एनर्जी गवर्नमेंट के ऊपर से आती है वो डायरेक्टर हेल्थ पे आती है, फिर CMO लेवल पे आती है, फिर BMO लेवल पे आती है, फिर हम डॉक्टरों पे आती है और लास्ट जाके आशा वर्कर पर जाके ख़त्म होती है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी डेफिशिएंसीज हैं, जो भी आपकी जो मेरे लायक हैं मैं करूँगा, जो मेरे लायक नहीं है मैं प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के सामने करूँगा। थैंक यू।